जी सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम कविता शर्मा और मैं हाई। कविता जी, कितने अंक प्राप्त किए आपने? 89। क्या आपको उम्मीद थी कि मेरे इतने अंक आएंगे? किस तरह से इसके लिए तैयारी की गई? इसमें सबसे बड़ा श्रेय मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों का रहा है, उन्हीं की मेहनत की वजह से। जी आपका नाम? मेरा नाम आसिफ अंसारी है। आसिफ जी, कितने अंक आए आपके? मेरा 87.4। कौन से स्कूल से हैं? मैं विश्व सेकेंडरी स्कूल सॉरी। अपने माता पिता का नाम बताइए। मेरे फादर का नाम शेर सुल्तान मोहम्मद है और मेरी मम्मा नाम शीर जहरा बेगम। क्या आपको उम्मीद थी कि मेरे इतने अंक आएंगे? नहीं, इतने ज्यादा थी मतलब कि, लेकिन सब्जेक्ट की मार्क्स शफलिंग हुई है, लेकिन मतलब एक्सपेक्ट इतनी गिरे, लेकिन मतलब आगे पीछे मार्क्स आए। इन फ्यूचर क्या करना चाहेंगे, अपना करियर किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहेंगे? फ्यूचर फिलहाल तो लोगों ने ड्रॉप में सोचा है, IIT वगैरह। जी आपका नाम? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, कितने मार्क्स हैं? मेरे 442। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं सर एक्चुअली विलेज से हूँ, ऐसे यहाँ रहता हूँ रैनी। किस तरह से आपने एग्जाम के लिए तैयारी की थी? सर वो मेरी मेहनत है, शेयर करना मैं जरूर। कोई कोचिंग वगैरह ली थी? नहीं, नो सर, कोई कोचिंग। बहुत सारे स्टूडेंट हैं स्कूल का जिसने ट्यूशन बिना ट्यूशन के मार्क्स। जी आपका नाम? मित्र शर्मा। मित्र जी, अपने पेरेंट्स का नाम बताइए। फादर्स नेम विभूषण शर्मा और मॉम्स नेम पूनम शर्मा। कितने अंक आपने हासिल किए हैं? 86%। जैसा कि ये 12वीं के बाद जो अंक होते हैं वो बहुत मुश्किल होता है हासिल करना, किस तरह से उसके लिए तैयारी की गई थी? तैयारी तो स्कूल से की है, बिना कोई ट्यूशन वगैरह के। क्या पढ़ाई के दौरान कभी कोई मुश्किल आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे? मेरा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है उन पर ज़्यादा फोकस है, उनकी तैयारी करूँ और IIT NIT में किसी में एंट्री के लिए तैयारी करूँ। डिस्ट्रिक्ट के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी डिस्ट्रिक्ट के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को यही कि पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करें, बाकी एक्टिविटीज चलती रहेंगी साथ में, स्पोर्ट्स भी, लेकिन जो दूसरी हैं मतलब गलत रास्तों से हट के इसमें ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करें। जी आपका नाम? मेरा नाम है श्रुति बलोरिया। कहाँ से हैं आप? मैं प्रिया से हूँ। अपने माता पिता का नाम बताइए। मेरे पापा का नाम है श्री बलवीर सिंह और माता का मम्मा का नाम है श्रीमती रेखा देवी। कितने आपने मार्क्स लिए हैं? मेरे 87.2। जैसा कि हमारे देश की बेटियां आज हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही हैं, तो आप भी आगे क्या करना चाहेंगी, अपने करियर को किस तरह से आगे लाना चाहेंगी और क्या बनना चाहेंगी फ्यूचर में? मैंने जो सोचा है, मैंने बैंक में जाना है, उसके बाद उसके लिए BCOM करनी है, करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। अपनी इस कामयाबी का श्रेय आप किसको देती हैं? अपने माता पिता और स्टाफ को और सर को, अपने मैथ्स टीचर को। जी सबसे पहले आपने नाम बताइए। कितने अंक लिए आपने? 84.6। इतने अंक प्राप्त करने के लिए किस तरह से आपने मेहनत की है? माता पिता की तरफ से और स्कूल की तरफ से कैसा सहयोग रहा है? भविष्य में कौन सी स्ट्रीम लेकर आगे जाना चाहेंगे? जी अपना नाम? कहाँ से हैं आप? मैं प्रिया सिंह। कितने आपने मार्क्स दिए हैं? और सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट्स में आए हैं? इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। कितने मार्क्स हैं आपके? स्टेट में अपने टॉप किया इंग्लिश में। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा तो मैनेजर हैं, मम्मा हाउस वाइफ। आगे जाकर कौन सी स्ट्रीम में अपना जो सब्जेक्ट है वो चूज करेंगी और स्ट्रीम में सब्जेक्ट चूज करने के बाद आगे क्या बनना चाहेंगी? मैं मेडिकल की फील्ड में जाना चाहूंगी। आपका नाम? वेनिता बंसल। कितने अंक लिए हैं आपने? जी मैंने 80%। माता जी क्या करते हैं और पिताजी क्या करते हैं? मम्मा हाउसवाइफ है और पापा गवर्नमेंट मलेरिया के सीन। जिस तरह से आपने इतने अच्छे अंक लिए हैं कि आपको विश्वास था कि जो मैंने तैयारी की है, मैंने पढ़ाई की है, इतने अच्छे मेरे आएंगे या उससे कम आएंगे? पेरेंट्स की सपोर्ट से और टीचर्स की सपोर्ट से उन्होंने बड़ी ज्यादा हेल्प की थी, उसकी वजह से आए हैं। फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे आगे? फ्यूचर में सोचा तो IPS ऑफिसर आगे, भगवान की मर्जी। मैम इतना अच्छा रिजल्ट आया आपके स्कूल का, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेहनत बच्चों की है और स्टाफ की भी। स्टाफ बहुत अच्छा है, शुरू से हमारा स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा है।
और मैं बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो दो गर्ल्स हमारे स्कूल की टॉपर हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर हमने उन लोगों को फ्री एजुकेशन दी है। नॉट एवन सिंगल बॉय हमने इसे चार्ज नहीं, सिर्फ हमने इसे ये चाहा था कि हमें गुरुदक्षिणा के रूप में आप दें बेस्ट रिजल्ट दें, ये दोनों बच्चे टॉपर हैं।